हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। CAA और NPR के विरोध में बुलंदशहर में फिर उठे विरोधी सुर। बुलंदशहर के अधिवक्ताओं ने CAA, NPR और NRC के विरोध में ADM को सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं मानी जाने पर अधिवक्ताओं ने प्रशासन को दी आगे तक जाने की चेतावनी। अधिवक्ताओं ने दिल्ली रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन और धरना देने की दी चेतावनी। अधिवक्ताओं ने CAA और NRC को मुस्लिम और दलितों के बताया खिलाफ। उसके बाद अखिल भारतीय व्यवहार अम्बेडकर अधिवक्ता परिषद की तरफ से अधिवक्ता बनाए हुए थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया जिसमें ढेर सारे बिंदु हैं, जिसमें SC ST और OBC मुस्लिमों की हत्याओं का उन्होंने विरोध किया है कि उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उसमें CAA के संबंध में उनका वो है, NPR के संबंध में है। इसके अलावा जो विभिन्न माननीय न्यायालय हैं उनमें भी SC ST के लोगों की माननीय जज के रूप में नियुक्ति के संबंध में है। ये लगभग 14-15 बिंदु है इनका ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को अपने जो ज्ञापन दिया है ADM साहब के माध्यम से, जो आज भारत के अंदर एक नया कानून लाया गया है CAA, NRC और NPR जो इस समय नया कानून बनाया है उसके विरोध में है, उसे वापस लेने के विरोध में है। क्यों आज जो इन्होंने कानून बनाया उस कानून में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि इन इन लोगों को जिन पर ये कागज नहीं है उनको उसमें जनराम नहीं लिया जाएगा, उनको यहाँ के देश की नागरिकता से समाप्त किया जाएगा। जो आज इन्होंने एक गलत कानून ला करके आज इस भारत के अंदर कुछ लोगों को छोड़ करके 1970, 1952, 1971 का कोई कागज नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से जो देश के लोग हैं उन्हें भगाने की बात चल रही है और जो विदेशी लोग हैं यहाँ बसाने की बात चल रही है। यानी जो 5 करोड़ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी के लोगों को यहाँ लाने की बात चल रही है, देश के लोगों के लिए रोजगार नहीं है, इंडिया के लोगों को भगाया जा रहा है, देश के लोगों के लिए यहाँ कार्रवाई करने रहने के लिए आवास नहीं है, उनको यहाँ कहाँ बसाया जाएगा। वकील साहब एक सवाल और है, अगर आपकी बातें मांग नहीं मानी जाती हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम सभी अधिवक्तागण इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि हम जंतर मंतर पर जाकर के धरना देंगे। CAA के विरोध में बीते 20 दिसंबर को बुलंदशहर में भी हुई थी हिंसा। अधिवक्ताओं ने बुलंदशहर ADM प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। Time 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।